दोस्तों नमस्कार, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं योर ऑनलाइन पार्टनर। एनआईएस डीएलएड के स्टडी सेंटर और पीसीपी और बाकी जितनी भी बातें हैं सारे अपडेट को लेकर हम आपके बीच हाजिर हैं एक बार फिर से। तो चलिए जानते हैं क्या क्या है न्यूज़ अपडेट अभी का, और स्टडी सेंटर दूर नज़दीक और क्या क्या बातें हैं, और उसके साथ एक बार पूरी तरीके से हम आपको इसके एनआईएस डीएलएड के वेबसाइट का भी टूर कराएंगे कि क्या क्या है वहाँ पर न्यू अपडेट। तो चलिए बने रहिए आप वीडियो के साथ और देखते हैं यहाँ पर नई नई हर एक बातें को। तो अभी जो यहाँ पर दोस्तों लेटेस्ट खबर आ रही है वो खबर यहाँ पर मध्य प्रदेश से आ रही है। मध्य प्रदेश के यहाँ पे चिंदवाड़ा से खबर आ रही है कि प्रशिक्षित शिक्षकों के लिए आवंटित केंद्र जो है वो रोरा बन रहा है। तो इस खबर को अगर हम लोग देखें तो प्रशिक्षित शिक्षक बनने की चाह में डीएलएड कर रहे शिक्षकों की राह में आवंटित केंद्र रोरा बन रहा है। अविवेकपूर्ण ढंग से आवंटित केंद्रों को लेकर शिक्षकों में आक्रोश है। शासन द्वारा संपर्क कार्यक्रम के लिए जो केंद्र आवंटित किए गए हैं वे 120 से 160 किलोमीटर तक दूर हैं। इस समस्या को लेकर सोमवार को अशासकीय शाला संघ की बैठक विजडम पब्लिक स्कूल में हुई। बैठक की अध्यक्षता विनोद तिवारी ने की। उन्होंने कहा कि शासन की ओर से संपर्क कार्यक्रम के लिए आवंटित केंद्र की प्रक्रिया में ही त्रुटि है। इस संबंध में शासन को अवगत कराया गया है। शिक्षकों को उन्हीं के विकास खंड में निर्धारित केंद्र आवंटित किया जाना चाहिए था। बैठक में विकास खंड अध्यक्ष ने बताया कि जहां के शिक्षकों को पाडुरना के शिक्षकों को हरई स्थित का केंद्र आवंटित किए गए हैं, वहीं हर्रई के शिक्षकों को सोनसर पाडुना के केंद्र आवंटित किए गए हैं। सचिव ने बताया कि चौरई के शिक्षकों को देलाखारी तामिया आदि केंद्र दिए गए हैं। इन केंद्रों की दूरी देखी जाए तो 100 से 160 किलोमीटर से भी अधिक हैं। श्याम गजभिये ने बताया कि ऐसे में इन शिक्षकों का आधा समय सफर में ही बीत जाएगा। बैठक में यातायात विभाग द्वारा बेवजह वाहन को लेकर परेशानी की बात रखी गई। उन्होंने बताया कि आरटीओ द्वारा स्कूल परिसर में खड़े वाहनों पर भी कार्रवाई की जा रही है, जबकि कमी पाई जाने पर एक अफसर दिया जाना चाहिए था। बैठक में अनिता दिलीप शर्मा ने कहा कि शासन को इस स्थिति से अवगत कराना होगा। शासन द्वारा अगर सुधार नहीं किया जाता है तो वो आंदोलन की राह पर भी चलने को तैयार रहेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों जो खबर हमने आपको कल तक बताई थी कुछ जगहों की जहाँ पर कि लोगों को यहाँ पे आवंटित केंद्र से परेशानी हो रही है, तो वहीं पर आज की ये अपडेट में नए अपडेट में भी ये बात है कि कई और जगह भी लोगों को यहाँ पे परेशानी शुरू हो गई है जहाँ पे नया अलॉटमेंट हुआ है। वहीं पे अगला अगर यहाँ पे देखें तो जन सुनवाई में यहाँ पे शिकायत दर्ज कराई गई है। तो हालांकि उसमें कई तरीके की शिकायत दर्ज कराई गई है, ये जो खबर है दोस्तों ये खबर आपका मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ से है, और वहाँ पे ये खबर कई तरीके की अपडेट है, कई तरह की खबर है, लेकिन उसमें एक खबर यह भी है कि डीएलएड शिक्षकों के स्टडी सेंटर को उसके ही ब्लॉक में कराने के लिए यहाँ पे मांग की गई है। तो अशासकीय डीएलएड शिक्षकों के स्टडी सेंटर को उनकी ही ब्लॉक में कराने को लेकर कलेक्टर को यहाँ पे शिकायत दी गई है। शिकायत में कहा गया है कि एनआईएस से जो डीएलएड शिक्षकों के स्टडी सेंटर जो वर्तमान में टीकमगढ़ जिले में बनाए गए हैं उनमें अधिकांश अशासकीय स्कूल के स्टडी सेंटर उनके ब्लॉक के बाहर सैकड़ों किलोमीटर दूर बनाए गए हैं, जिससे उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो इस वजह से लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और अगला जो अपडेट यहाँ पे आ रहा है दोस्तों यहाँ पे वो रांची में विधानसभा के समक्ष बीआरपी सीआरपी कर्मियों का प्रदर्शन हुआ है। ये खबर जो है झारखंड से आ रही है, और यहाँ पे बहुत सारी मांगें हैं, लेकिन जो उसमें एक प्रमुख मांग है उसमें ये भी है कि अप्रशिक्षित बीआरपी सीआरपी को एनआईएस से डीएलएड प्रशिक्षण हेतु नामांकन सुनिश्चित करना। तो यहाँ पे डीएलएड प्रशिक्षण में नामांकन सुनिश्चित करने को लेकर मांग है, ये एक नई अपडेट है। और अगला जो अपडेट है वो निकल के आ रहा है यहाँ पर बिहार से, और बिहार में इसके ये गोपालगंज से ये अपडेट है जहाँ पे कहा जा रहा है कि पोस्टंग वाले प्रखंड में स्टडी सेंटर ही नहीं बनाया गया है। तो एनआईएस से डीएलएड की ट्रेनिंग ले रहे शिक्षकों के लिए स्टडी सेंटर पोस्टंग वाले प्रखंड में बनाने की मांग टीईटी शिक्षक संघ ने विभाग से की है। यह मांग सोमवार को प्रखंड मुख्यालय में टीईटी शिक्षक के जिलाध्यक्ष की अध्यक्षता में बैठक में की गई। बैठक को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने कहा कि एनआईएस से डीएलएड की ट्रेनिंग लेने वाले शिक्षकों के लिए स्टडी सेंटर दूसरे प्रखंड में बनाया गया, जिसके कारण अधिक दूरी होने से शिक्षकों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने शिक्षा विभाग से स्टडी सेंटर पोस्टिंग वाले प्रखंड में ही बनाने की मांग की है।
बैठक में समान काम के समान वेतन के लिए भी यहाँ पे जो है चर्चा की गई। तो मेनली यहाँ पे दोस्तों अगर देखा जाए तो बैठक में डीएलएड की ट्रेनिंग लेने वाले शिक्षकों के लिए स्टडी सेंटर जो दूसरे प्रखंड में दे दिया गया है तो उनके प्रखंड में भी बनाने की मांग की है। तो यहाँ पर अगर अभी देखें तो बहुत जगह है, हर स्टेट में, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, बिहार हो, जहाँ की खबर हमने अभी आपको बताई, उसी तरीके से बाकी स्टेट में भी स्टडी सेंटर तो शुरू हो गया है कई जगह पर, कई जगह पे नहीं हुआ है, लेकिन जहाँ पे शुरू हो गया है वहाँ पे स्टडी सेंटर दूर बना दिया गया है और दूर वाले जगह पे ही शुरू हो गया है। यहाँ पे आप लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने कमेंट में पूछा था कि अभी जो स्टडी सेंटर हमारा दूर बना है क्या मतलब हम लोगों को वहाँ पे जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, या जब नज़दीक होगा उसके बाद जाना चाहिए, क्योंकि NIS के द्वारा ये कहा गया है कि जो स्टडी सेंटर आपका दूर है उसको बदला जा रहा है और उसे नज़दीक करवाया जा रहा है। लेकिन उसके बाद ये भी हो रहा है कि नज़दीक कराने के चक्कर में स्टडी सेंटर को और भी ज़्यादा दूर कर दिया जा रहा है। तो यहाँ पे जो अभी आप कंटिन्यू कर रहे हैं वो आप कंटिन्यू करते रहें अगले अपडेट आने तक, मतलब कि अगला अपडेट कैसे आएगा, तो जब आप यहाँ पे अपने रेफरेंस नंबर से सर्च करेंगे यहाँ पे टू नो योर एलॉटेड स्टडी सेंटर में क्लिक हियर करके, जब आप यहाँ पे अपने रेफरेंस नंबर से सर्च करेंगे और यहाँ पे आप देखेंगे कि आपको क्या नया स्टडी सेंटर अलॉट हुआ है, और उसके बाद आप नए स्टडी सेंटर कोऑर्डिनेटर से कॉल पे बात करेंगे तभी आप अपने नए स्टडी सेंटर पे जाएंगे। लेकिन तब तक अभी जो आपका अलॉटेड हो गया है, मतलब अभी जो भी आप जहाँ पर जा रहे हैं वहाँ पर आप कंटिन्यू रखेंगे, तो जब तक आपको आदेश नहीं आ जाता है कि आपका स्टडी सेंटर बदल गया है और आपको नए स्टडी सेंटर पे जाना है, तब तक आपको अपने एग्जिस्टिंग अभी जो वर्तमान में स्टडी सेंटर है वहीं पर आपको जाना है, क्योंकि अगर आप वहाँ पे नहीं जाते हैं तो आपकी क्लास तो वहाँ पे होते रहेगी और उसके बाद आप क्लास नहीं करेंगे और आपकी वहाँ पर क्लास फिर मिस होगी। हालाँकि ये पुरजोर कोशिश NIS के द्वारा भी की जा रही है कि कितना जल्दी जो है आपका नज़दीक से नज़दीक स्टडी सेंटर बना दिया जाए, लेकिन ऐसा यहाँ पे हो रहा है कि जो ब्लॉक है उसके अंतर्गत जो गांव के नाम है या जगह के नाम है उसको लेकर वहाँ पे उन लोगों को कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है और उस वजह से जो है उनका बहुत ही दूर बना दिया जा रहा है, जो कि एक्सपेक्टेड नहीं है। कहीं ना कहीं NIS भी ये नहीं चाह रहा है कि लोगों का स्टडी सेंटर दूर हो, उसके लिए वो भी भरसक कोशिश कर रहा है, लेकिन यहाँ पे पहचान नहीं होने के कारण और सही तरीके से ऑर्गेनाइज वे में नहीं होने के कारण जो है लोगों का दूर बन जा रहा है। अभी एक नया केस ये भी आ रहा है कि बहुत लोगों का यहाँ पे रेफरेंस नंबर से चेक करने पे पहले स्टडी सेंटर दिखाता था और अब नहीं दिखाता है, तो ये नया अपडेट आया है। तो दोस्तों वहाँ पे जो परिवर्तन हो रहा है उसके एवज में ही यहाँ पे आपको नहीं दिखाया जा रहा है, और आप अभी आपको कुछ नहीं करना है, जैसे ही आपको कोई कॉल आता है स्टडी सेंटर से या यहाँ पे आपको रेफरेंस नंबर डालने से फिर से दिखाया जाने लगता है तो वहाँ पे आप फिर से संपर्क करेंगे। अगर आपने, आपको जो पहले स्टडी सेंटर दिखाया गया था वहाँ उसका डिटेल्स आपने सेव कर लिया था, तो वहाँ पर आप कॉल करके उस स्टडी सेंटर कोऑर्डिनेटर को कॉल करके मतलब आप बात कर सकते हैं कि पहले मेरा आपका वाला स्टडी सेंटर दिखा रहा था, अब ब्लैंक दिखा रहा है, तो मुझे क्या करना चाहिए। और साथ ही साथ अगर आपको वो डिटेल्स भी नहीं है वहाँ या वहाँ से कोई अपडेट नहीं मिल रही है, तो आप अपने ब्लॉक के अंतर्गत जो स्टडी सेंटर खोजेंगे, यहाँ पे डिटेल्स ऑफ स्टडी सेंटर, ये प्रोसेस तो आपको पता ही होगा, तो यहाँ से जब आप अपने ब्लॉक के अंतर्गत का स्टडी सेंटर खोजेंगे और अगर आपको वहाँ पे कोई स्टडी सेंटर मिलता है, हालांकि अभी भी बहुत जगह है जहाँ पर नहीं बना है, लेकिन अगर आपको आपके ब्लॉक का कोई स्टडी सेंटर मिलता है या नियरेस्ट ब्लॉक का कोई स्टडी सेंटर मिलता है तो वहाँ के स्टडी सेंटर को कॉल करके बात कर सकते हैं। और यहाँ पे बाकी लोगों का यहाँ पे चेंजेज हो रहा है, और जिस प्रकार से कोई चेंजेज होगा या आगे, जैसा कि हमने बताया था कि 4 दिन के अंतर्गत जितने भी लोग हैं सबका यहाँ पे परिवर्तन करने की बात चल रही है, और जैसा कि आप लोगों ने कमेंट किया था और उससे मुझे पता चला कि ऐसे बहुत मतलब 10-20% लोग हैं जिनका कि दूर से नज़दीक कर दिया गया है, लेकिन बहुत ऐसे भी लोग हैं जिनका नज़दीक से और दूर कर दिया गया है, और साथ ही साथ कुछ ऐसे लोग हैं जिनका चेंज ही नहीं किया गया है। तो कोई भी अपडेट आएगा तो हम आपको बताएंगे। यहाँ पर दिन आप देख रहे हैं कि जो है स्टडी सेंटर को लेकर यहाँ पे लोगों का यहाँ पे जारी है, लोगों की मांग जारी है, डिमांड जारी है, तो कोई भी चीज़ आएगा तो हम आपको जरूर बताएंगे। आगे आप हमारे साथ बने रहिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जो वीडियो देख रहे हैं उसके नीचे में रेड कलर का सब्सक्राइब बटन होगा, वहाँ से आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और बगल में बेल आइकन आएगा उसे जरूर दबा दें। जो पुराने लोग भी हैं, पुराने सब्सक्राइबर भी हैं, वो भी आप बगल के बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि आगे कोई भी नोटिफिकेशन आपसे छूटे नहीं।
कोई और भी अपडेट आने पर हम आपको जरूर बताएंगे। वीडियो अगर हमारा पसंद आता है, मेरा प्रयास पसंद आता है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप यहाँ पे कोई सुझाव है, सलाह है, तो कमेंट करिए और वीडियो को जरूर शेयर कीजिए लोगों के साथ, व्हाट्सअप पे, फेसबुक पे, ताकि हर एक छोटी छोटी अपडेट से हर लोग जुड़े रहें। तो मेरा अभी नए लेटेस्ट बात आप लोगों से कहना यही है कि आप जो अलॉटेड स्टडी सेंटर यहाँ पे चेक करना है रेफरेंस नंबर से, वो आप देखते रहें, वहाँ पे जो आपका दिखाएगा वही आपका लेटेस्ट होगा। और आप जरूर कमेंट में बताएं कि क्या आपका चेंज होने के बाद क्या हुआ है, और उसके बाद आगे जो भी अपडेट आएगा फिर से हम आपके बीच हाजिर होंगे। मिलते हैं नए वीडियो में। बाय बाय, जय हिंद।